आपको प्रधानमंत्री मोदी का दो दिन में कांग्रेस पर दूसरा बड़ा हमला दिखाते हैं जो आज उन्होंने राज्यसभा में किया है। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, ये कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस न होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी, क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती, अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। तो प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस ना होती तो क्या होता। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।